अगर आप भी हलवा खाने के शौकीन हैं तो एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। ये हलवा बहुत ज़्यादा आसानी से बन जाता है और इसमें दाल को भिगोने की भी कोई झंझट नहीं है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आधा कप घी लेना है और इसमें लगभग सवा कप बेसन ऐड कर लेना है। यहाँ पर हमने बेसन ऐड कर लिया है। इसके साथ ही थोड़ी सी सूजी ऐड करनी है। अब हम इसे अच्छे तरीके से भून लेंगे। यहाँ पर इसे लगातार चलाते ही रहना है जब तक कि बेसन अलग ना हो जाए और इसमें अच्छे तरीके से घुल ना जाए। धीरे धीरे इसका टेक्सचर इस तरीके से होने लगेगा। इसे लगातार चलाते ही रहना है और इस बात का ध्यान रखना है कि ये नीचे की तरफ चिपक ना जाए। अगर ये नीचे की तरफ चिपक जाता है तो इसका टेस्ट बिगड़ सकता है, इसलिए इसे लगातार चलाते ही रहना है। जैसे जैसे आप चलाते रहेंगे वैसे वैसे बेसन फूलने लगेगा। तो यहाँ पर हमारा बेसन धीरे धीरे फूलने लगा है। थोड़ी ही देर में इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर इसे बीच बीच में भी चलाते रहें ताकि बिल्कुल भी चिपके नहीं। इसका टेक्सचर बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है। तो लगभग 3 से 4 मिनट के लिए आपको इसे चलाते ही रहना है। अब इसका कलर चेंज हो गया है। यहाँ पर हम थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे। यहाँ पर हम लगभग 2 टेबल स्पून दूध ऐड करेंगे और इसे इस तरीके से चलाना है। दूध ऐड करने से इसमें जाली पड़ने लगेगी और जाली पड़ने से हलवा दानेदार बनेगा और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो यहाँ पर हमें इसे इस तरीके से चलाते रहना है और बाकी बचा हुआ दूध भी हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर फिर से थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे और फिर से इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसे लगातार चलाते ही रहना है। धीरे धीरे इसका टेक्सचर थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा हलवा थोड़ा सा दानेदार हो गया है। इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर हमारे हलवे का टेक्सचर इस तरीके का हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर चीनी ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने लगभग 1/2 कप चीनी ऐड की है। इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इसे लगभग 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है जब तक कि चीनी अच्छे तरीके से घुल नहीं जाती। तो यहाँ पर हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसे लगातार चलाते ही रहेंगे। साइड पर आपको पानी गर्म करने के लिए रख देना है। यहाँ पर हम पानी ऐड करने वाले हैं। लगभग 1 कप पानी की ज़रूरत यहाँ पर हमें पड़ेगी। तो पानी हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। पानी को हमने पहले से ही गर्म करके रखा था। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है। जब ये पानी इसमें एब्जॉर्ब हो जाए तब हम बाकी का पानी भी ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर पानी हमारा ऐड हो चुका है। अब हम बाकी बचा हुआ पानी भी इसमें ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर गर्म पानी ही ऐड करना है। ठंडा पानी आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। इसे लगातार चलाते ही रहना है। यहाँ पर हमने 1 कप पानी लिया है। 1 कप पानी यहाँ पर काफ़ी है। अगर आप कम पानी यूज़ करते हैं तो हलवा ड्राई बनेगा। इस तरीके से धीरे धीरे चलाते रहें तो हलवे का टेक्सचर इस तरीके का होगा। जब पानी अच्छे तरीके से अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा तब हम यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हलवे का टेक्सचर काफ़ी अच्छा हो चुका है। अब हम यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लेंगे। यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लिए हैं। अब इसे फिर से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर हलवे का कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आ गया है। ये हलवा खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। अगर आपको भी मीठा खाने का शौक है तो एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पर हमारा हलवा रेडी है। इसे गर्मा गर्म सर्व करें और ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डालें। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।